बिलासपुर पुलिस अधीक्षक अशोक शर्मा ने कहा कि हिमाचल में ड्रग्स के खिलाफ बड़े स्तर पर एंटी ड्रग्स कैंपेन शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिलासपुर जिला से होगी। इस ड्रग के खात्मे के लिए बिलासपुर जिला पुलिस में एंटी ड्रग्स कैंपेन शुरू करने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। अक्टूबर माह के अंत तक कैंपेन का शुभारंभ करने की योजना है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के अतिरिक्त स्थानीय एनजीओ की सहायता ली जाएगी। ड्रग्स को लेकर न केवल जागरूकता रैलियां निकालकर समाज को संदेश दिया जाएगा, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाकर नशे के खिलाफ जागरूकता का अलख जगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एंटी ड्रग्स कैंपेन के लिए एनसीसी, एनटीपीसी और पीकेटीसीएल कंपनी ने आर्थिक मदद देने की हामी भरी है। कैंपेन के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। अक्टूबर अंत तक कैंपेन को शुरू करने की योजना है, जिसके तहत स्कूलों के 11वीं और 12वीं के कक्षाओं के छात्रों के अलावा कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार ये कैंपेन विभिन्न चरणों में चलेगा, जिसके तहत पहले चरण में स्कूल और कॉलेजों में रैलियां निकाली जाएंगी। साथ ही स्कूल व कॉलेज के छात्रों के बीच नशे को लेकर पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद और निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अव्वल प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कैंपेन चलाकर ड्रग्स और इसके कारोबारियों का जड़ से खात्मा किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस इस महीने के अंत तक एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने वाली है। इस एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन में हम जो लोकल एनजीओज हैं और जो इस फील्ड से संबंधित एनजीओ हैं उनका साथ लेंगे, जो गणमान्य व्यक्ति हैं हम उनको भी अपने साथ में रखेंगे, प्लस जो स्कूल और कॉलेजेस के जो छात्र और छात्राएं हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे। इसमें विभिन्न फेजेस होंगी। पहली फेज में हम डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे, जहां पे हम पोस्टर कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन कराएंगे, कुछ अवेयरनेस रैलियां निकालेंगे और उसमें समुचित जो विनर है उनको इनाम भी दिया जाएगा। तथा हमारा जो उद्देश्य है इस कैंपेन के थ्रू, लोगों में ड्रग्स के प्रति जागरूकता लाना है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या लेते हुए किसी को देखते हैं, तुरंत उनके बारे में पुलिस को सूचित करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है इसका। और हम चाहते हैं कि जो जनता है वो हमारा सहयोग करे। जब तक जनता हमारे साथ नहीं है, तब तक हम ड्रग्स को हिमाचल से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि पीनल प्रोविजन एक तरफ है। हम लोग बहुत पिछले, अगर आप बिलासपुर का जो क्रिमिनल जो डेटा है अगर आप देखेंगे, तो पिछले एक सात महीने में पुलिस ने बहुत ज्यादा कार्रवाई की है ड्रग्स के खिलाफ। लेकिन अब समय है कि हम घर घर में जाके, स्कूल में जाके, बच्चों को जाके इसके जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में लोगों को बताएं। इसी उद्देश्य से हम ये जो कैंपेन है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग इसमें हो सके।